समाज अध्यक्ष, नगर को चलाने नगर अध्यक्ष, स्कूल को चलाने स्कूल अध्यक्ष और कक्षा को चलाने कक्षा अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। इसलिए कई वर्षों बाद आज कोविड के बाद जब सामान्य हुआ था तो पुनः हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नियुक्त करेंगे। निशांत पटेल एकता राज हेड गर्ल बायोग्रुप हेड बॉय जहांजेब खान अनामिका दुबे क्योंकि ये सबसे सीनियर क्लास सबसे जवाबदार क्लास तो सबसे पहले और इनसे प्रेरणा भी लेना है, इनके मार्गदर्शन में भी चलना है और हेड बॉय और हेड गर्ल को बोलेंगे कि अपने छोटे भाई बहनों से भी सीखना है। हमारे आपके छोटे भाई बहन भी काफी अच्छे काफी संस्कारवान अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते, इसलिए ठीक है। नहीं समझता लेकिन इस टीचर स्टाफ ने जो हमारे ऊपर भरोसा किया यकीन किया और जिस उम्मीद के साथ मुझे हेड बॉय बनाया है मैं यकीन दिलाता हूं और आप सभी से वादा करता हूं कि बिना किसी पार्शियलिटी के जैसे हम लोहा खरीदने जाते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उसको हम क्विंटल्स में मेजर करते हैं तो और कुछ लेने जाएंगे तो हम किलो में मेजर करेंगे और कुछ लेंगे तो हम ग्राम में करेंगे जैसे हम सोना लेने जाते हैं तो उसको हम तोला में मेजर करते हैं या फिर रत्ती में करते हैं या फिर माशा में करते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक उनके भरोसे के अंदर उनके यकीन के ऊपर जो उनकी उम्मीद है एक रत्ती एक तोला और एक माशा के बराबर अंतर नहीं आने दूंगा। और हमारे टीचर्स स्टाफ सरा सर रानी मिस अजय सर नीतेश सर और आप सभी के लिए एक शेर के सबके दिलों की जान बनाया है आपने इस संस्था की प्रयोग पहचान बनाया है आपने सबके दिलों की जान बनाया है आपने इस संस्था की प्रयोग पहचान बनाया है आपने कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में अगली लाइन पर अपने आप के लिए तालियां बजाना कि कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में जहां जेब को जहां जेब बनाया है आपने हमारी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पर हमारे टीचर्स ने सरस्तर से रानी में से लोग हमारी एक छोटी से छोटी गतिविधियों के ऊपर नजर रखी। जब हेड बॉय बनाने का टाइम आया तो उनको लगा कि हेड बॉय भी जहाँ से बनाना है तो सबसे पहले मैं हमारे क्लास में से जो बगैर हेड बॉय बनना चाहते थे मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये मत समझना कि जहाँ से हेड बॉय बना है अपने आप को अपना हेड बॉय समझना कि हमको भी हेड बॉय है। हमारी गतिविधियों के ऊपर सभी टीचर्स
हमारी गतिविधियों के ऊपर सभी टीचर्स ने जो बारीकी के साथ नजर रखी और हेड बॉय भी गुरु को बनाया, इनका इंसाफ को देखते हुए हमें एक इतिहास का वो बादशाह जो इंसाफ के लिए आज भी प्रसिद्ध है, वो तो चले गए लेकिन उनका इंसाफ और उनकी कहानियां आज भी अमर है। इनका इंसाफ देखते हुए हमारे टीचर्स का हमें जहांगीर बादशाह की एक जिंदगी की एक सच्ची घटना याद आती है। तो जहांगीर बादशाह और उनकी पत्नी अपने महल पर बैठे हुए तीर चला रहे थे और नदी के किनारे एक पति और पत्नी कपड़े धो रहे थे कि बादशाह की बेगम से कि तीर से तीर निकला वो उसके पति को लगा और उसके पति की स्पॉट पर ही डेथ हो गई। उसकी जब डेथ हुई तो अपने पति को कंधे पर लेकर एक मिनट शांति से सुनने का भक्त ले रहा हूँ मैं आपको उसके लिए सॉरी कि अपने पति को लेकर महल आई और महल आने के बाद बादशाह सलामत आपका इंसाफ तो बहुत मशहूर है, मैं भी इंसाफ की गुहार लगाती हूँ। सुनवाई की जाए जब केस की सुनवाई होती है तो ये सिद्ध हो जाता है तो ये तीर है वो राजा की बेगम ने चलाया है और शाही तीर से उसकी मृत्यु हुई है। तो राजा तो पत्नी के सामने जाकर खड़े होते हैं, कहते हैं कि हमारी पत्नी ने तुम्हारे पति को मारा है और तुम जाओ हमारे महल पर, हम नीचे खड़े हैं तो हमारी पत्नी के पति को यानी हमें मार दो। ये इंसाफ की झलक हमें इधर से संस्था से आज देखने के लिए, मैं सलाम करता हूँ हमारे टीचर्स को जो इंसाफ की झलक संसार देखने को मिली और मैं वादा करता हूँ बिना किसी पारिशारिटी किए हुए जितना बनेगा कुछ अच्छा सा और कुछ नया सा करने की कोशिश करता हूँ। हमारी संस्था लगातार सफलताओं की मंजिलों पर जा रही है, मेरी और दुआएं संस्था के लिए लेकिन दिन दोनी रात चौधरी तरक्की करें। आज एक हमारे लिए एक खुशी का मौका था कि पहली बार हमारी संस्था से हेड बॉय और हेड गर्ल अनाउंस हुई, इसीलिए मैंने आपका वक्त लिया आपका समय लेने के लिए।